भाई लोग का हाथ नहीं पहुंचता है ना, उधर मंगल सिंह का कुल ही पहुंचता है। यमलु गुप्ता पर जानलेवा हमला होने वाला है। आई वॉन्ट यू टू कैप्चर द मोमेंट। हमला होते हुए फोटो। ये रहा आपका रूम नंबर 301 और ये रहा आपका कमरा नंबर 302। पिंकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे नहीं मिली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अच्छा क्या मरो? क्या चल उड़ जा रे पंछी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा तुम? गौर से देखो इस बेचारे को, इसे प्यार की जरूरत है। यहाँ कौन ध्यान रखेगा? मैं हूँ ना। और लाइफ वाली लाइफ कहाँ रही बंद? आप तो कह रहे थे कि हम उसका टेक केयर करेंगे। हेलो सुसु, मैं कूद रहा हूँ, मजे में लग रहा है। एक आखिरी बार डिस्टर्ब करूँ? मंगल सिंह जी, मंगू ऑल ओके सर। यस, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग। इंटरनेशनल टर्मिनेटर बेटर फॉर द पार्ट। जी देखा आपने पैकेज, हमारे साथ एक और कॉलर है, जारा बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जारा। हेलो हेलो। अच्छा एक और पैकेज है हमारे पास, वो भी चल के देख लेते। कलोमी अंसारी की लॉन की लॉन्च हुई है रिसेंटली, एज इन कल ही हुई है लॉन्च, और बड़ी जबरदस्त और बड़ी कामयाब लॉन्च थी। वो चल के पैकेज देखते हैं और फिर आते हैं। concept of this ajrak because it belong to Sindh aur Sindhi concept ko leke unhone ye jo ajrak ka kiya hai, it's really nice. aaj hamari patchwork exhibition hai ensemble Karachi mein, aur isme do kisam ki lines hain, casual aur ek formal. jaisa ki aap dekh rahe hain, badi organic kisam ki ajrak ko embroidery karke aur different panels ke sath different kisam ki ajrak ko mix and match kar kiya gaya hai, which is a very eastern silhouette. aur western wear mein we don't deal with as such, so everything is very wearable, cotton kurtas, tunics, different embroideries or something which is very summery. उन्होंने कॉटन पे गोटे का काम किया है अजरक प्रिंट के साथ, जो बहुत यूनिक और डिफरेंट है, और लोगों को यहाँ बहुत पसंद आया, सबको बहुत पसंद आया। हाय, मैं आशी वारसी, और आज हम यहाँ पर नोमी अंसारी की प्रेस लाइन कलेक्शन के ऊपर हैं, एंड बहुत मजे की कलेक्शन है। ड्यू टू समर का जो इस वक्त वेदर है, वेदर के हवाले से बहुत जबरदस्त अमेजिंग कलर पैलेट भी बहुत अच्छा है, एंड फैब्रिक तो डेफिनेटली समर के हवाले से ही है। द डिजाइन आर वेरी नाइस। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ये खरीद लूँ। नोमी इज वन ऑफ माई फेवरेट डिजाइनर। जी आपने देखा नोमी अंसारी की लॉन्च। बाय द वे मुझे सिर्फ कॉलेज से आज ये कहना है कि अगर आप कॉल्स करते हैं और जब भी हम बात करें तो ये जरूर बताएं, क्योंकि लॉन का हमने पैकेज दिखाया है। मुझे कोई, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि भाई लॉन नहीं होनी चाहिए कुछ भी, लेकिन इतना ज्यादा लॉन 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 लॉन। उन खवातीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉल करके ये जरूर बताएं, क्या आप सारी जगह के जब लॉन खरीदती हैं तो क्या उसको पहनते भी हैं, या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप लॉन पे एग्जीबिशन पे जाते हैं और तीन तीन चार चार लॉन्स खरीद लेते हैं सिर्फ अपने लिए कि ओ हमारा स्टेटस है भाई, हमने अगर लॉन पे एग्जीबिशन पे ना गए। क्योंकि मैंने कल काफी दिनों से देख रही हूँ
कि लोग लॉन के जोड़े तो ले आते हैं, औरतें जाके भर भर के लॉन की, मतलब कल अगर मैं भी कोई लॉन निकालूंगी ना तो शायद लोग पागलों की तरह आ जाएंगे, क्योंकि ये होगा कि ओ अच्छा एक मॉर्निंग शो होस्ट है जी, उसने एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि मैंने लॉन निकाली तो मेरे लिए भी आ जाएंगे, कल शाइस्ता लॉन निकालेंगे शायद उनके उनके कहने पर भी लोग आ जाएंगे, ओहो नाम है भाई, अब स्टेटस की बात है कि शाइस्ता वाइदी की लॉन है तो चलो भाई लेके आते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आपने एक बंदे की लॉन ले लिया तो फिर ठीक है आप कॉल, मतलब लॉन का इतना ज्यादा क्यों हो गया है, कहते हैं ना वो पता नहीं इस वर्ड को क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा काल नहीं पड़ जाती कि बस लॉन 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 हर बोर्ड पे लॉन, ऊपर से मॉडल्स की आपस में क्लैशेस, इधर एक मॉडल इधर एक मॉडल, मतलब एक रोड्स पे अब जाने का इतना मजा आता है कि हर जगह आपको एक नई मॉडल नए कपड़ों के लॉन के साथ, और एक मॉडल तो मैंने देखा कि वो तीन बोर्ड्स पे थी, तीन डिजाइनर्स तीनों के बोर्ड्स पे वही मॉडल थी, मतलब क्या मत, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक कॉल हमारे साथ वो ले लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अनवर जही बात जी। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपका? बहुत शुक्रिया जी। आज चूंकि अभी मैंने देखा आपको क्या लोन में नोमी अंसारी की ड्रेसेस थी जी, और बड़ी यूनिक लग रही थी, और इसमें जो एक खास फोकस करने की चीज थी वो ये थी कि डॉक्टर साहब आपने मेरा सवाल नहीं सुना, मुझे नोमी अंसारी की लॉन की नहीं सुननी, मुझे ये सुनना है कि लॉन पे इतना जोर क्यों है आजकल। मैं उसके साथ भी बात करता हूँ जल्दी से, वरना फिर वो बात खत्म हो जाएगी। तो नोमी अंसारी की जितनी ड्रेसेस थी वो सब एक दूसरे के साथ थी, कितना अच्छा लग रहा था कि सारी ड्रेसेस एक साथ है, क्या वजह है कि हम सब लोग मिलकर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा शहर है ये 2.5 करोड़ की आबादी का एक मुल्क है जिसको हम कराए। हाय हाय डॉक्टर साहब ये बातें आप कर रहे हैं, लॉन निकालने वाले एक साथ नहीं रह सकते तो लॉन के ऊपर आप क्या बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज याद रखिए कि एक कंपटीशन होता है, इसी तरह हर चीज का एक कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन जो है वो हेल्दी होना चाहिए, अगर हेल्दी कंपटीशन होगा तो सारे लोगों को उसमें फायदा होगा। अगर हम सब लोग जो है शहर के वो एक बुके की मानिंद है, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक बुके में हर रंग का फूल होता है और हर फूल का एक अपनी आइडेंटिटी है, उसकी एक अपनी डिग्निटी होती है, लेकिन वो सारे फूल जब मिल जाते हैं और एक बुके की शक्ल में तो जो उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है वो कितना खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह हम इस शहर के अंदर हैं, सारे लोग आपस में मिलके रहें, अखुबत मोहब्बत प्यार चाहत को बांटें, तो मेरा ख्याल हमारा शहर जो है वो अमन का गहवारा होगा। आज के लिए तो बस मेरे लिए यही फोकस था जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं chuloasman@news1tv.tv पर, मैसेज अस ऑन www.facebook.com/chuloasman, इस पे आप हमें सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच जो हमारी वॉल पे लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकालते हैं हमसे कनेक्ट होने का। कल मैंने वॉल पे एक चीज पढ़ी, वो मुझे बड़ा याद रखा हुआ था कि मैं बात करूंगी उसके बारे में। आई थिंक किसी ने लिखा हुआ था, एक तो हमारे 23 मार्च के शो को बहुत ज्यादा पसंद किया था, यूथ आई थी तो यूथ के लिए बहुत ज्यादा, यूथ के ऊपर उन्होंने कहा था कि आप बहुत ज्यादा शोज करें, और एक और चीज उन लोगों को बहुत पसंद आई थी जो मैं और शुमाइला उस दिन शो कर रहे थे, उस शो की इतनी तारीफें हुई हैं, लाइक शुमाइला तो नो डाउट वो तो TV1 पे भी करती हैं और बहुत जबरदस्त शो करती हैं, उन्होंने काफी लोगों ने वहां पे जो कॉमेंट्स थे वो यही थे कि जो मैं और शुमाइला ओपनली हम जो डिस्कशन कर रहे थे वैसे डिस्कशन होने चाहिए, इसी तरह के डिस्कशंस होने चाहिए, इसी तरह के टॉपिक्स आने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ मेरे गेस्ट होंगे DIG साउथ कमांडर शौकत अली, जिनसे हम थोड़ी सी सिक्योरिटी पे बात करेंगे। विल बी राइट बैक।